हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्राम अकेडमी। अपनी सी शार्प ट्यूटोरियल सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग सीखने जा रहे हैं इंडेक्सर्स और प्रॉपर्टीज़ के बारे में। सी शार्प में इंडेक्सर और प्रॉपर्टीज़ का क्या क्या यूज़ होता है, किस तरीके से यूज़ करती है। मगर आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज़ जो कि आपको मैंने लास्ट अपने ट्यूटोरियल में प्रॉमिस करा था कि इस ट्यूटोरियल में हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट की प्रॉपर्टीज़ को चेंज करना सीखेंगे, तो वो देखते हैं। सबसे पहले कमांड प्रॉम्प्ट की प्रॉपर्टीज़ को चेंज करना बहुत इजी है। सबसे पहले आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कीजिए। आप चाहें तो विंडो में जा कर के CMD टाइप करके जो सबसे पहला आपके पास ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक कर सकते हैं, तो आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। ओपन करते ही ये जो यहाँ पे आपको आइकन दिख रहा है कमांड प्रॉम्प्ट का, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन आएगा, प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपके पास सारी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होंगी। फॉन्ट्स होंगे, फॉन्ट का आप साइज़ चूज़ कर सकते हैं कि कितना बड़ा फॉन्ट चाहिए, क्या चाहिए, लेआउट कितनी बड़ी स्क्रीन चाहिए, कलर्स कौन सा कलर, कौन सा किस टाइप का कलर चाहिए, पॉपअप बैकग्राउंड क्या चाहिए, स्क्रीन बैकग्राउंड, पॉपअप टेक्स्ट, स्क्रीन टेक्स्ट। इस तरीके से आप ये सारी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ अपने हिसाब से ऑल्टर करके ओके पे क्लिक कर दीजिए, ये सारी प्रॉपर्टीज़ अप्लाई हो जाएंगी। तो बहुत सिंपल तरीका था कमांड प्रॉम्प्ट के अपने अकॉर्डिंग चेंज करने का। चलिए अब नेक्स्ट आगे अपने ट्यूटोरियल सीरीज़ की मेन चीज़ पर आते हैं, इंडेक्सर्स एंड प्रॉपर्टीज़ पे। इंडेक्सर और प्रॉपर्टीज़ स्टार्ट करने से पहले एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, दो चीज़ें जो कि पता होनी चाहिए किसी भी प्रोग्रामर को अगर वो इंडेक्सर और प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझना चाहता है। सबसे पहला एक फंक्शन गेट एंड नेक्स्ट फंक्शन सेट, तो इन दोनों का क्या यूज़ होता है। सबसे पहले इन दोनों को कहा जाता है एक्सेसर्स। तो एक्सेसर्स क्या होते हैं, किसी भी वैल्यू को जो कि एक प्राइवेट डाटा मेंबर में स्टोर है, यानी एक प्राइवेट डाटा मेंबर को एक क्लास के या एक ऑब्जेक्ट के उसकी वैल्यू गेट और सेट करने के, यानी उसकी वैल्यू अपने प्रोग्राम में अगर आपको चाहिए तो गेट का यूज़ करते हैं, और अगर आपको उसकी वैल्यू सेट करनी है तो फिर सेट जो हमारा प्रोग्राम जो फंक्शन होता है उसका यूज़ करते हैं। गेट के अंदर आप कोई भी फंक्शनैलिटी लिख सकते हैं, सेट के अंदर कोई भी फंक्शनैलिटी लिख सकते हैं, मगर इनका जो बेसिक टाइप है वो चेंज नहीं होना चाहिए। इसका मतलब आप कभी भी गेट के अंदर कोई वैल्यू इनिशियलाइज ना करें, कर सकते हैं मगर अगर ऐसा करते हैं आप तो वो एक बैड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस में आता है, गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस में नहीं आता है, इसलिए ऐसा ना करें। गेट के अंदर खाली जो आपको वैल्यू रिटर्न करानी है वो वैल्यू रिटर्न कराएं और सेट के अंदर वैल्यू को सेट करें। एक और चीज़ सेट फंक्शन के साथ, इसमें एक बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू नाम का, इसको मैं दूसरे कलर से कर देता हूँ जिससे हमें ये पता रहे कि एक्चुअल में एक कीवर्ड है। ये वैल्यू नाम का एक कह सकते हैं कि एक वेरिएबल बाय डिफ़ॉल्ट आता है जो कि असल में वैल्यू होती है किसी भी जो वेरिएबल को हम लोग वैल्यू असाइन करते हैं इक्वल टू ऑपरेटर से, वो वैल्यू इस वैल्यू नाम के वेरिएबल में बाय डिफ़ॉल्ट स्टोर की जाती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। और जब आप कोई वेरिएबल, मान लीजिए ए वेरिएबल है, तो अगर इसमें आप वैल्यू असाइन करेंगे तो इस तरीके से इसको असाइन किया जाएगा, इस छोटी चीज़ का ध्यान रखना होगा। अभी के लिए मैं सारी चीज़ें इरेज कर देता हूँ और हम लोग अब आगे बढ़ते हैं जो आज का मेन टॉपिक है, इंडेक्सर्स को और प्रॉपर्टीज़ को समझने की तरफ। तो बहुत ज़्यादा सिंपल हैं चीज़ें। इंडेक्सर क्या होते हैं, एक ऑब्जेक्ट के, जैसे आप एरे अगर लें तो एरे, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं इनका यूज़ करके आप एरे के किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करते हैं। इसकी वैल्यू अगर आपको सेट करनी है तो इक्वल टू ऑपरेटर से वैल्यू सेट करते हैं, और अगर इसकी वैल्यू गेट करनी है तो डायरेक्टली गेट कर लेते हैं। तो ये जो आपके स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं इनको कहा जाता है इंडेक्सर्स। ये असल में इंडेक्स जनरेट करते हैं आपके जो एलिमेंट्स होते हैं उनका। अब अगर आप ऑब्जेक्ट, कोई एक क्लास बनाते हैं, फॉर एग्जांपल क्लास एग्जांपल नाम से एक क्लास बना दिया आपने, थोड़ा इसमें एक्स गड़बड़ हो गया, कोई नहीं, अगर आपने एग्जांपल नाम से क्लास बना दी, अब आप चाहते हैं जब आप एग्जांपल नाम की क्लास का कोई भी एलिमेंट एक्सेस करते हैं तो कुछ स्पेशल फंक्शन परफॉर्म हो। फॉर एग्जांपल हो सकता है कि आप कोई काउंट बढ़ाना चाहें कि अच्छा पहली बार एक्सेस किया, नेक्स्ट टाइम एक्सेस हुआ काउंट प्लस प्लस करना है, या फिर आप कुछ और फंक्शनलिटी देना चाहते हैं, तो उस केस में आप अपना खुद का एक इंडेक्सर डिफाइन करते हैं। इंडेक्सर डिफाइन करने का जनरल तरीका होता है, सबसे पहले आता है उसका एलिमेंट टाइप,
एलिमेंट टाइप क्या होता है, एलिमेंट टाइप एक्चुअल में रिटर्न टाइप आप कह सकते हैं, कि जो आप ये एक्सेसर डिफाइन कर रहे हैं ये जब वैल्यू गेट करेगा, यानी जब इसकी वैल्यू हमें चाहिए होगी तो वो किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है। और अगर हम लोग बात करें उसके आगे, तो उसके आगे आता है दिस ऑपरेटर। इसको फिर से मैं दूसरे कलर से लिखता हूँ, जिससे ये बात दिमाग में रहेगी कि ये असल में कीवर्ड है और इसको चेंज नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट हम लोग अपने स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और इनके अंदर जो हम एलिमेंट लेंगे वो लिखेंगे इंट इंडेक्स, यानी वो इंडेक्स जो कि जो एलिमेंट हम लोग एक्सेस करना चाहते हैं उसका इंडेक्स, यानी उसकी पोजीशन नंबर। अब चाहें तो आप ये इंट की जगह डबल भी कर सकते हैं, फ्लोट कर सकते हैं, मतलब कोई भी डाटा टाइप ले सकते हैं यहाँ इसकी जगह। ये इसका भी हम लोग आगे अभी यूज़ देखेंगे, इसका यूज़ कहाँ पे होता है, जब हम लोग कहाँ, जब हम लोग ओवरलोडिंग करेंगे। अगर ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट आपने प्रीवियस क्लास देखी है तो ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट मैंने उसमें बताए थे, तो जब हम लोग ओवरलोडिंग करते हैं तो उसमें यूज़ किया जाता है। इसके बाद इसके अंदर, इसको मैं हटा देता हूँ, इसके अंदर आपके दो मेथड आते हैं। पहला वही अपना गेट मेथड जो कि वैल्यू रिटर्न करता है, कोई कोई वैल्यू परफॉर्म करके, कोई फंक्शन परफॉर्म करके वैल्यू रिटर्न करता है, और सेट जो कि वैल्यू असाइन करता है कि उस इंडेक्स पर जिस इंडेक्स को हम लोगों ने पास किया होता है। और ये वैल्यू जो होती है वो वैल्यू नाम के एक वेरिएबल में बाय डिफ़ॉल्ट स्टोर होती है। तो अब बिना किसी रुकावट के डायरेक्ट इसके प्रोग्राम पे आते हैं। प्रोग्राम में ऐसा कुछ ज़्यादा परेशान होने वाली चीज़ नहीं है। मैंने एक क्लास बना रखी है इंडेक्सर, इंडेक्सर के अंदर दो एलिमेंट लिए, एक एरे ए नाम से इन टाइप का, और एक लेंथ वेरिएबल LEN नाम से एक वेरिएबल लिया जो कि एरे की लेंथ को डिफाइन करेगा। उसके अंदर मैंने एक कंस्ट्रक्टर ले रखा है, कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने लेंथ जो थी पहले से ही यूज़र से पास करवाई है और उतनी लेंथ का एक एरे जनरेट करा है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे एक इंडेक्सर डिफाइन कर रखा है, वही अपना तरीका है इंडेक्सर डिफाइन करने का। यहाँ पे ये जो इंट आया है ये आपका वेरिएबल टाइप है, एलिमेंट टाइप, ये दिस ऐसे का ऐसे ही रहेगा। ये पब्लिक, ये एक्सेल मॉडिफायर है कि आप अपने जो इंडेक्सर डिफाइन कर रहे हैं वो आप चाहते हैं कि क्लास के बाहर अवेलेबल हो या ना हो, या खाली इंटरनल अवेलेबल हो, तो उसको आप डिफाइन कर सकते हैं। उसके अंदर मैंने एक गेट फंक्शन बना रखा है, गेट फंक्शन के अंदर मैंने चेक कर रखा है कि इंडेक्स की वैल्यू 0 से 10 के बीच में होनी चाहिए, 10 से बड़ी या 0 से छोटी नहीं होनी चाहिए, तभी ये वैल्यू रिटर्न करेगा, वरना -1 रिटर्न करेगा, यानी फेलियर रिटर्न करेगा। और सेट की वैल्यू में भी सेम चीज़ चेक करिए कि इंडेक्स जो है या तो 0 या 0 से छोटा हो। अगर ऐसा हो तभी इसमें वैल्यू स्टोर हो एरे में, वरना फिर वैल्यू स्टोर नहीं होगी क्योंकि इंडेक्स जो होता आउट ऑफ रेंज हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोगों ने जो हमारा मेन फंक्शन है उसमें सबसे पहले इंडेक्सर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है ओबी नाम से, और उसमें 10 पास किया, यानी इसकी लेंथ कितनी रखी हम लोगों ने, 10 रखी है। फिर एक फॉर लूप चलाया 0 से 10 तक, और एरे में जो थी आई की ही वैल्यू स्टोर करा दी, यानी पहले इंडेक्स पे 0 स्टोर है, दूसरे पे 1, तीसरे पे 2। तो इसमें आप देख सकते हैं मैंने एरे कोई कहीं पे भी एरे डिफाइन नहीं किया हुआ है, डायरेक्ट ओबी को ही एज अ एरे यूज़ कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने, बिकॉज ये जो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट आपको दिख रहे हैं इनको मैंने डिफाइन कर रखा है इनका यूज़, कि इनका यूज़ किस तरीके से होना है इस हमारे इंडेक्सर जोन में, या ये पब्लिक इंट दिस के थ्रू कि किस तरीके से इनका यूज़ होना है। तो इसी वजह से हम लोग डायरेक्टली इनको यूज़ कर पा रहे हैं यहाँ पे बिना किसी एरे को डिफाइन करे। तो हर एक में मैंने वैल्यू स्टोर करा दी है, यानी 0 एलिमेंट में 0, 1 में 1, 2 में 2, एंड सो ऑन। फिर मैंने ये वैल्यू प्रिंट कराई है। अब जब यहाँ पे जब वैल्यू मैंने स्टोर कराई है तो असल में क्या होगा, इसका जो सेट ऑपरेटर है, सेट एक्सेसर है एक तरीके से, वो कॉल होगा, वो चेक करेगा कि इंडेक्स 0 या 0 से छोटा हो, और 0 या 0 से इंडेक्स बड़ा हो, या फिर 10 से छोटा भी हो, तभी एरे जो हम लोगों का बैकग्राउंड वेरिएबल है इस क्लास का, उसमें हम लोगों की जो वैल्यू है, वैल्यू यहाँ पे कीवर्ड है जो कि असल में आई के इक्वल होगा, ये आई इम्प्लिसिटली इसमें सेट एक्सेसर में पास होगा, और किस फॉर्म में पास होगा, वैल्यू की फॉर्म में, ये वैल्यू जा करके स्टोर करेगा। और यहाँ पे जब मैंने इसको गेट, जहाँ पे मुझे इसकी वैल्यू चाहिए वहाँ पे असल में क्या होता है कि जैसे ही कंपाइलर कहता है कि रन टाइम
पे हमें वैल्यू चाहिए तो तुरंत ही गेट एक्सेसर कॉल होता है, उसके अंदर जो भी फंक्शनैलिटी होती है उस हिसाब से काम होता है और बाकी चीज़ें प्रिंट हो जाती हैं। यहाँ पे मैंने एरे ऑफ 12 लेने की कोशिश करी है, तो बेसिकली जब मैं एरे ऑफ 12 लेने की कोशिश करूँगा तो ये जो इफ़ ब्लॉक है ये फॉल्स हो जाएगा, यानी इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, एल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और हम लोगों को वैल्यू मिलनी चाहिए -1। चलिए इस प्रोग्राम को रन करते हैं। मैं ऑलरेडी ये प्रोग्राम कंपाइल करा चुका हूँ तो डायरेक्टली रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं पहले 0, 1, 2, 3 पहले वैल्यू स्टोर हुई, फिर नॉर्मल तरीके से सारी प्रिंट हो गई, इन्होंने जो फॉर लूप लगा रखा है ये नीचे इसकी वजह से सारी वैल्यू प्रिंट हो गई। और क्या जैसे मैंने ओ बी का 12th एलिमेंट एक्सेस करने की कोशिश करी तो यहाँ पे एरर कोड आ गया -1। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इफ़ ब्लॉक जैसा कि मैंने बताया आपको फॉल्स हुआ और एल्स ब्लॉक ने रिटर्न करा -1, यानी एरर कोड रिटर्न करा। तो ये था इंडेक्सर्स का यूज़। अब इसमें तो आपने बैकग्राउंड एरे ले रखा था, आप चाहें तो बिना बैकग्राउंड एरे कोई भी लिए डायरेक्टली इंडेक्सर्स का यूज़ भी कर सकते हैं और इंडेक्सर्स को ओवरराइट भी किया जा सकता है। तो इंडेक्सर्स को ओवरराइट किस तरीके से करते हैं इस चीज़ को इस वाले प्रोग्राम में हम लोग देखेंगे। यहाँ पे मैंने एक क्लास बना रखी है फेल सॉफ्ट एरे, ये सेम आपको एग्जांपल सी शार्प द कंप्लीट डिफरेंस में देखने को मिल जाएगा क्योंकि वहीं से लिया गया है। यहाँ पे मैंने एरे भी ले ही रखा है इंट ए नाम से, अगर आप चाहें तो इसको हटा भी देंगे तब भी ये अच्छा तरीके से सही से काम करेगा, बस आपको फिर कुछ स्टेटमेंट चेंज करनी पड़ेंगी। जैसे यहाँ पे जो हमने एरे इनिशलाइज करा है उसको, जो एरे में वैल्यू डाली होंगी उन सब चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक पब्लिक कंस्ट्रक्टर है जिसमें मैंने साइज़ लिया है और उसी साइज़ का एरे डिफाइन करा है, और लेंथ जो यहाँ पे प्रॉपर्टी है, जो लेंथ यहाँ पे वेरिएबल है उसमें वो साइज़ ले लिया गया है। एक एरर फ्लैग ले रखा है, एरर फ्लैग का क्या काम है वो ये बताएगा हमको कि हम लोग आगे बढ़ सकते हैं या नहीं। तो एरर फ्लैग ट्रू है या फॉल्स के हिसाब से होगा वो अभी देखते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे मैंने एक ओके नाम से फंक्शन बना रखा है जो कि एक बूल वैल्यू रिटर्न करता है, तो यानी ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। किस और इस बेसिस पे ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा, अगर जो हम लोग इंडेक्स पास कर रहे हैं वो हमारे जो भी ऑब्जेक्ट में इंडेक्स पास करा है वो हमारी ऑब्जेक्ट की लेंथ से छोटा और 0 या 0 से बड़ा है तो फिर ये रिटर्न ट्रू करेगा, वरना फॉल्स रिटर्न करेगा। जैसे हम लोगों ने पिछले प्रोग्राम में वहीं पे चेक कर लिया था, यहाँ पे एक स्पेशली फंक्शन बना के चेक किया गया है, बस इतना अंतर आया। फिर अब आप यहाँ पे आराम से देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक पब्लिक इंडेक्सर डिफाइन किया हुआ है जो कि असल में सबसे पहले क्या करेगा, एक इंडेक्स वैल्यू लेगा, यहाँ पे इंट इंट की इंडेक्स वैल्यू लेगा, यानी इंट टाइप की एक इंडेक्स वैल्यू लेगा। उसके बाद अगर वो वैल्यू ट्रू है तो फिर ये आपके पास रिटर्न कर देगा ए ऑफ इंडेक्स जो भी इंडेक्स पे हमारी वैल्यू होगी वो, और एरर फ्लैग को फॉल्स कर देगा, यानी यहाँ पे एरर कोई भी नहीं हुआ। अगर ये इंडेक्स सही नहीं है यानी ओके फंक्शन फॉल्स रिटर्न करता है तो फिर ये एरर फ्लैग को ट्रू कर देगा कि यहाँ पे हमारा एरर हुआ और वैल्यू रिटर्न हो जाएगी हमारी 0। जो हमारा सेट वैल्यू है उसमें भी सेम चीज़ है कि बस यहाँ पे वैल्यू असाइन की गई है और नीचे वैल्यू रिटर्न, एल्स पार्ट में वैल्यू रिटर्न नहीं की गई है। अब ये देखिए मैंने इसको ओवरलोड भी कर रखा है, यहाँ पे उन्होंने ऊपर ले रखा था इंट दिस और अंदर ले रखा था उसके इंट इंडेक्स, यहाँ पे ले रखा है मैंने इंट दिस लेकिन अंदर क्या ले रखा है, डबल इंडेक्स। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो अपना ऑपरेटर था उसको ओवरलोड कर लिया है, जो हमारा एक तरीके से आइडेंटिफायर था उसको हम लोगों ने ओवरलोड कर लिया। अगर हम लोग इंट पास करेंगे तो यानी वो ये वाला आइडेंटिफायर को एक्सेस करने की कोशिश करेगा, और अगर हम लोग डबल कोई वैल्यू पास करते हैं तो वो इस आइडेंटिफायर को एक्सेस करने की कोशिश करेगा। यहाँ पे एक स्टेटमेंट के अंदर बेसिकली ये जो हम लोगों का IDX आएगा इसको इंट में कन्वर्ट किया गया है जिससे हम लोग वैल्यू स्टोर करा सकें और वैल्यू रिटर्न करा सकें। तो यहाँ पे वैल्यू रिटर्न कराइए, फिर से जो हमारा इंडेक्स आएगा उसको इंट में कन्वर्ट करके, पूरी तरीके से इंट में कन्वर्ट करके वैल्यू रिटर्न कराई गई है। तो चीज़ सिंपल है, इंडेक्स में वैल्यू स्टोर कराई है पहले, उसके बाद फिर इंडेक्स को ही चेक किया गया। तो सिंपल है, ज़्यादा टफ वाली कोई इसमें बात नहीं है। मेन प्रोग्राम में एक हम लोगों ने एक एरे बना रखा है FS नाम से और उसमें लेंथ पास करी है 5, देन आफ्टर फॉर लूप चला करके सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको वैल्यू दिए, यानी 5 एलिमेंट्स को हम लोगों ने वैल्यू दिए। FS डॉट लेंथ यानी हम लोगों ने FS जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो लेंथ वेरिएबल है
उसको एक्सेस किया गया है यहाँ पे, एंड देन आफ्टर डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्स की वैल्यूज प्रिंट कराई हैं। तो इसको रन करके देखते हैं, कंपाइल में ऑलरेडी कर चुका हूँ तो डायरेक्टली रन करते हैं। एक बार देख लेते हैं ये क्यों एरर दे रहा है, एक बार दोबारा से रन करके देखते हैं, दोबारा से कंपाइल करके इस प्रोग्राम को रन करेंगे। कंपाइल हो चुका है, अब रन करने का टाइम है। अब यहाँ पे ऊपर थोड़ी सी एरर दे रहा था क्योंकि प्रोग्राम असल में सेव नहीं हुआ था, तो इस वजह से। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं एफ एस वन की वैल्यू 1 थी, 2 की वैल्यू 2 थी, अब 1.1 ये, यानी मैंने जब डबल वैल्यू पास करी तो असल में कौन सा इंडेक्सर कॉल होगा, जो हमारा डबल का इंडेक्सर है वो कॉल होगा ये वाला, और इसका गेट मेथड कॉल किया जाएगा जब हम लोग कोई भी डबल वैल्यू पास करेंगे, जैसे कि डेसिमल वैल्यू, यहाँ पे जो मैंने डेसिमल वैल्यू पास करी है और यहाँ पे, तो इनको कन्वर्ट ऑलरेडी करा गया है पहले इंट में 1.1, यानी 1.5 से अगर लेस है तो वो 1 है और 1.5 से ग्रेटर है तो वो 2 है। ये एल्गोरिथम लगा करके डबल को इंट में कन्वर्ट किया है क्योंकि एरे का जो इंडेक्स है वो इंट में दे रखा है, उसके बाद वैल्यू एक्सेस करके लिखी गई है। वो सिंपल प्रोग्राम है, इस तरीके से अगर आप चाहें तो फ्लोट का भी बना सकते हैं, का जितने भी डाटा टाइप है किसी का भी बना सकते हैं, बस आपको यहाँ पे जो डाटा टाइप है वो चेंज करना होगा, और अगर आप चाहें तो यहाँ का भी डाटा टाइप चेंज कर सकते हैं, आपका ऑपरेटर ओवरलोड हो जाएगा। बस ओवरलोडिंग में एक चीज़ ध्यान रखनी है, अंदर का डाटा टाइप हमेशा चेंज होना कंपलसरी है, बाहर का हो या नहीं हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर अंदर उस हिसाब से आपको फंक्शनैलिटी जो भी आप चाहते हैं वो करिए गेट और सेट एक्सेसर के अंदर, और फिर वैल्यू को अपनी प्रिंट कराइए, या फिर अगर यूज़ करना चाहते हैं कहीं पे तो उसको यूज़ कर लीजिए। कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ द इंडेक्सर, कि अगर आप चाहें कि पीछे कोई एरे ना हो तो फिर कैसे काम किया जाएगा, तो यहाँ पे एक क्लास बनी हुई है पावर ऑफ 2 के, जो कि हर नंबर की 2 मतलब पावर जो थी उसको दिखा देता है, कि आप जितने भी जो भी मतलब नंबर पास करते हैं तो उसकी टू उसकी जो पावर है वो 2 करके, तो उसकी यानी सेकेंड पावर दिखा देता है। तो यहाँ पे एक फंक्शन मैंने बनाया हुआ है पब्लिक, यहाँ पे पावर ऑफ 2 का एक इंडेक्सर है, फंक्शन क्या इंडेक्सर है बल्कि बेसिकली है, और यहाँ पे मैंने खाली इंट पास करा है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं खाली गेट एक्सेसर है, सेट एक्सेसर नहीं है। तो बेसिकली ये किस तरीके का हमारा जो क्या फंक्शन है, इसमें कोई वैल्यू असाइन करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम लोग बैकग्राउंड में कोई वैल्यू लेंगे ही नहीं, हम लोगों को डायरेक्ट कोई भी वैल्यू असाइन करनी नहीं है कहीं पे भी, तो इसलिए सेट एक्सेसर उन्होंने हटा दिया है, यानी ये सिर्फ और सिर्फ वैल्यू हमको रिटर्न करेगा, हम लोग इससे थ्रो वैल्यू सेट नहीं कर सकते। तो ये तरीका होता है, अगर आप चाहें कि आपके वेरिएबल को कोई वैल्यू सेट ना कर पाए तो आप सेट एक्सेसर हटा दीजिए, अगर आप चाहते हैं कि कोई वैल्यू गेट ना कर पाए तो गेट एक्सेसर हटा दीजिए, सिंपल है। तो यहाँ पे मैंने इंट एक फंक्शन बना रखा है PWR से, जो कि पावर ऑफ 2 रिटर्न करता है जो भी हमारा नंबर होता है उसकी, और यहाँ पे गेट एक्सेसर में इस फंक्शन को कॉल करा के जो इसकी वैल्यू आएगी उसको रिटर्न करा रखा है, और ये वैल्यू इंट में होगी क्योंकि यहाँ पे इंट में ही सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, और विदाउट इनिशियलाइजिंग एनी कोई भी लेंथ इनिशियलाइज करे बिना, कोई भी चीज़ इनिशियलाइज करे बिना, मैंने डायरेक्टली इस ऑब्जेक्ट में इंडेक्स हमारा इंडेक्सर लगा करके उसके अंदर एक वैल्यू पास कर दी है। तो बेसिकली अभी क्या बन गया, आप तो ऑब्जेक्ट के थ्रू लगा डायरेक्टली एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं यूजिंग दी स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है, आप कहीं पर कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, आपने सीधी एक वैल्यू पास करी, और वो डिपेंडिंग अपॉन दी सेट या एक्सेसर गेट एक्सेसर जो भी हम लोगों का डिफाइंड है और जिस कंटेक्स्ट में हम लोगों ने इसको यूज़ करा है, हमें वैल्यू चाहिए या फिर लगानी है, उसके हिसाब से इसने वैल्यू हमको रिटर्न कर दी या फिर वैल्यू इनिशियलाइज कर दी। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, यहाँ पे मैंने जो i इक्वल्स टू 0 से 8 तक चला रखा है फॉर लूप, ये बेसिकली सबसे पहले जब 0 वैल्यू होगी तो इसमें 0 पास करेगा और ये इसकी 0 की पावर करके रिटर्न कर देगा, और हम लोग डायरेक्टली कंसोल डॉट राइट लाइन फंक्शन में हमने इसलिए इसकी वैल्यू डायरेक्टली गेट करी है, सेट नहीं करी है, इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर सेट करी होती तो फिर यहाँ पे दिक्कत आती क्योंकि सेट एक्सेसर है नहीं, यहाँ पे हमने सीधी गेट करी है, इसीलिए वैल्यू पास होगी तुरंत के तुरंत वैल्यूएशन होगा और वैल्यू वापस आएगी और इस जगह पे कवाई राइट स्टेटमेंट में प्रिंट हो जाएगी।
फिर सेम चीज़ यहाँ पे पावर -1 और 17 के साथ में, अब यहाँ पे आप कितनी पावर कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने कोई भी लेंथ नहीं ले रखी है, मगर जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने एक पावर चेक कर रखी है ऑलरेडी कि 0 से कैपिटल या 0 से जितनी होनी चाहिए और 16 से लेस होनी चाहिए। तो जब हम लोग -1 और 17 पास करेंगे तो ये हमारा एरर कोड जनरेट करेगा जो कि है -1। इस प्रोग्राम को सेव कर देते हैं और अब डायरेक्टली रन कराते हैं। मैं इसको पहले ही कंपाइल करा चुका हूँ, शायद नहीं कराया है, कर लेते हैं कंपाइल, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये हुआ कंपाइल हमारा प्रोग्राम और डायरेक्टली रन किया। अब देख सकते हैं यहाँ पे पावर 1 to 8 जो हमारा फॉर लूप था उसके हिसाब से पावर यहाँ पे सारी जितनी भी हम लोगों को पावर हम लोगों ने पहले 0 से 8 तक पास करी वो सब यहाँ पे प्रिंट हो गई। मगर जब हम लोगों ने -1 और -17 एक्सेस करने की कोशिश करी तो हमारे एरर्स प्रिंट हुए -1 एंड -1। तो ये था, आप चाहे तो गेट एक्सेसर हटा सकते हैं अगर आपको सिर्फ वैल्यू सेट करनी है इस तरीके से। अब बस इंडेक्सर में आपको इस बात ध्यान रखनी है कि असल में एक क्लास की प्रॉपर्टी होती है, एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी नहीं कह सकते, एक मतलब ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली ऑब्जेक्ट से वैल्यू लेने के काम में आता है। इस चीज़ का बस आपको ध्यान रखना है, ये एक ऐसी चीज़ है जो कि डायरेक्टली ऑब्जेक्ट के आगे आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाइए और आप उससे कुछ फंक्शनैलिटी करवाना चाहें तो उसके लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं प्रॉपर्टीज़ पर कि प्रॉपर्टीज़ किस तरीके से यूज़ की जाती हैं। प्रॉपर्टीज़ को समझना बहुत ज़्यादा आसान है किसी भी इंसान के लिए, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ असल में अभी जब हम लोगों ने इंडेक्सर पढ़े थे, इंडेक्सर एक ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली उनके जो स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं उनका फंक्शन डिफाइन कर देते थे कि अगर आप ऑब्जेक्ट के आगे स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहे हैं तो वो क्या काम करेंगे। और प्रॉपर्टीज़ असल में एक तरीके के आप कह सकते हैं कि फंक्शन होते हैं। बस इसमें क्या होता है, इसमें कोई वेरिएबल पास नहीं कर सकते आप प्रॉपर्टीज़ में, एंड इसमें जो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इसमें इस फंक्शन के अंदर आपको दो काम करने पड़ते हैं। तो बेसिकली प्रॉपर्टीज़ फंक्शन ही होते हैं, बस इसमें वेरिएबल पास नहीं किए जाते और एक ही फंक्शन के अंदर दो काम कर सकते हैं, और चाहे तो एक काम भी कर सकते हैं मगर दो काम बेसिकली जो प्रॉपर्टीज़ का कह सकते हैं आप कि मेन मोटिव है वो गेट और सेट फंक्शन का ही है। तो ये जो होते हैं ये किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वेरिएबल्स होते हैं, किसी भी क्लास के जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी लिए डिफाइन किए जाते हैं ये फंक्शंस, उनकी वैल्यू गेट और सेट करने के लिए। तो बहुत सिंपल है, अगर आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करना है ऑब्जेक्ट के लिए तो आपको इंडेक्सर डिफाइन करना है, अगर आपको सेम गेट वैल्यू करनी है और सेट वैल्यू करनी है किसी भी ऑब्जेक्ट के वेरिएबल की यानी किसी भी क्लास के वेरिएबल की तो आप प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हैं। प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करते समय ये बात ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम एक तरीके से एक वेरिएबल ले रखा है प्रॉप नाम से, सिंपल प्रॉपर्टीज़ क्लास के अंदर एक वेरिएबल ले रखा है प्रॉप नाम से, तो अगर मुझे इसकी वैल्यू गेट करनी है और सेट करनी है तो अगर आप इसको पब्लिक बनाते हैं तो हो सकता है एक्सीडेंटली कुछ गलत वैल्यू इसमें आ जाए। अगर आप चाहते हैं कि इसमें कुछ प्रीडिफाइंड वैल्यू आए, किसी रेंज के बीच में वैल्यू आए या कुछ इस तरह की चीज़ें, या कुछ पहले जब आप वैल्यू पास करें तो उस फंक्शन उस वैल्यू पे कुछ वैल्यूएशन हो, उसके बाद कोई वैल्यू निकल के जो आए वो इसमें स्टोर हो, तो उसमें आप प्रॉपर्टीज़ नाम के फंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ बेसिकली किस तरीके डिफाइन होती है, सबसे पहले आपका आता है एक्सेस मॉडिफायर कि आप कैसी एक्सेस चाहते हैं, इसकी पब्लिक चाहते हैं, प्राइवेट चाहते हैं, प्रोटेक्टेड चाहते हैं। नेक्स्ट आपका आता है इंट, अधिकतर आपको प्रॉपर्टीज़ प्राइवेट तो नहीं मिलेंगी क्योंकि अगर प्राइवेट तो ऑलरेडी आपका वेरिएबल ही होता है तो डायरेक्टली एक्सेस हो जाएगा, तो प्रॉपर्टीज़ आपको प्राइवेट बहुत कम ही मिलेंगी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इसके डाटा टाइप, रिटर्न डाटा टाइप, इसका जब इसका गेट फंक्शन कॉल होता है तो आप क्या चीज़ रिटर्न कर रहे हैं, तो आप अगर इंट डिटेल कर रहे हैं तो इंट, अगर डबल रिटर्न कर रहे हो डबल, एंड सो ऑन। नेक्स्ट उसका प्रॉपर्टी का नाम, अब ये नाम कुछ भी हो सकता है, जो आप चाहें वो नाम रख सकते हैं, मगर एक बेस्ट प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस को अगर आप देखें तो आप इस प्रॉपर्टी का नाम सेम एज वेरिएबल रखें, जैसे यहाँ पे मैंने वेरिएबल ले रखा है प्रॉप नाम से, तो आप इसको माय प्रॉप की जगह अगर प्रॉप रखेंगे खाली तो ज़्यादा बेटर रहेगा। दूसरी चीज़, ये जो पी है यहाँ पे जो यानी फर्स्ट लेटर है किसी भी प्रॉपर्टी का वो हमेशा कैपिटल होना चाहिए, ये इस बात को डिनोट करता है कि एक फंक्शन है प्रॉपर और ये गेट और सेट करने के वैल्यू काम आएगा। तो अगर आप पहले किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम कर चुके हैं तो वहाँ पे हम लोग फंक्शन डिफाइन करते हैं, जैसे जावा हो गया, वहाँ पे हम लोग सेटर और गेटर फंक्शंस डिफाइन करते हैं हर एक वेरिएबल के लिए,
मगर यहाँ पे हम लोग एक ही फंक्शन के अंदर दोनों काम कर सकते हैं। तो ये एक सी शार्प में आप कह सकते हैं सिंप्लिसिटी है, बहुत अच्छा यूज़ है इसका आगे जा करके, और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं ये चीज़ें। नेक्स्ट यहाँ पे गेट फंक्शन में खाली वैल्यू रिटर्न कराई है मैंने, और सेट में जो थी एक चेक कराया कि वैल्यू जो आ रही है यानी जो हम लोग वैल्यू असाइन कर रहे हैं वो जीरो से ग्रेटर या जीरो जितनी होनी चाहिए, यानी सिर्फ पॉजिटिव होनी चाहिए तो वैल्यू असाइन होगी, वरना नहीं होगी। नेक्स्ट मेन फंक्शन के अंदर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया और माय प्रॉपर्टी यूज़ करके उसमें जो थी उसकी प्रॉपर्टी गेट करी गई है यहाँ पे। नेक्स्ट उस माय प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके जो प्रॉप वेरिएबल है उसको वैल्यू असाइन की गई है, और यहाँ पे फिर उस प्रॉपर्टी उस वैल्यू को शो किया गया है। अब जो थी -10 माय प्रॉप की वैल्यू -10 करने की कोशिश करी गई है और फिर वैल्यू को प्रिंट किया गया है। तो चलिए इस प्रोग्राम को रन करते हैं। रन करने के लिए वही पुराना तरीका, सबसे पहले जो था आप csc डालिए और उसके बाद properties.cs यानी फाइल का हमारी नाम, ये कंपाइल तो हो गया। यहाँ पे कुछ एरर दे रहा है, असल में ये एरर क्यों आए ये भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हम उन्होंने ob.myproperty एक्सेस करने की कोशिश करी है, मगर यहाँ पे जो है मैंने माय हटा दिया था, इस वजह से आ रहे हैं। तो मैं माय वापस लगा देता हूँ क्योंकि एक डेमो प्रोग्राम है, तो इसलिए इसको ऐसे ऐसे ही मैं रन करा रहा हूँ। नेक्स्ट इस प्रोग्राम को रन कराते हैं, तो आप देख सकते हैं सबसे पहले जो क्योंकि जब हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर कॉल करा तो कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट बाय जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वैल्यू जीरो रख रहा है, तो इस वजह से सबसे पहले जीरो प्रिंट हुआ है। नेक्स्ट हम लोगों ने वैल्यू 100 यहाँ पे असाइन करी है तो फिर 100 प्रिंट हुई है, और उसके ठीक बाद हम लोगों ने -10 वैल्यू असाइन करने की कोशिश करी है, देखते हैं वो कोशिश सफल हुई या नहीं हुई। वो वैल्यू चेंज नहीं हुई है प्रॉप की, वैल्यू अभी भी 100 ही। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो हम लोगों ने सेट फंक्शन लगा रखा है, जो सेट एक्सेसर है हमारा, उसमें इफ़ के अंदर एक स्टेटमेंट है कि वैल्यू जीरो से ग्रेटर होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए तभी वैल्यू असाइन होगी वरना नहीं होगी, तो इस वजह से ऐसा नहीं हुआ। तो बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़ है प्रॉपर्टीज़ और इंडेक्सर, बस थोड़े से ट्रिकी पार्ट है, कुछ चीज़ों का ध्यान में रखना है, बाकी अगर आप एक बार थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत ईजी हो जाता है करने के लिए। ये तो था एक नॉर्मल सेट और गेट फंक्शन के यूज़ करके किसी भी प्रॉपर्टी को डिफाइन करना। एक होते हैं हमारे ऑटो इम्प्लीमेंटेड प्रॉपर्टी, तो अभी जैसे आपने रिटर्न और सेट यहाँ पे इनको डिफाइन करा है कि क्या चीज़ें होंगी इनसे, अगर आप चाहें तो आप एक ऑटो इम्प्लीमेंटेड प्रॉपर्टी भी डिफाइन कर सकते हैं। ऑटो इम्प्लीमेंटेड प्रॉपर्टी में क्या होता है, वो उसमें आपको कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं होती, आपको सिर्फ और सिर्फ जो हम लोगों की प्रॉपर्टी है, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ पब्लिक इंट माय प्रॉप, और यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ गेट और गेट के आगे सेमी कोलन एंड देन आफ्टर सेट और सेट के आगे सेमी कोलन। तो ये बेसिकली ऑटो इम्प्लीमेंटेड प्रॉपर्टी हो गई है, अपने आप ही वैल्यू रिटर्न करेगी जो भी हम लोग इसको बोलेंगे रिटर्न करने के लिए। इसमें हम लोगों को कोई भी इसमें वेरिएबल डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती है कि किसी वेरिएबल में हम लोगों को वैल्यू स्टोर करानी है। इसकी जब आप गेट प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं तो ये अपने आप ही एक वैल्यू रिटर्न कर देता है, और ये जब सेट प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं तो अपने आप ही एक मेमोरी में एक जगह पर वैल्यू को उस जो आप वैल्यू यहाँ पे देंगे उसको स्टोर कर देता है। तो बेसिकली जो माय प्रॉपर्टी जो यहाँ पे प्रॉपर्टी है माय प्रॉप नाम से, ये अपने आप में ही एक वेरिएबल का काम करती है जो कि डायरेक्टली वैल्यू गेट और सेट करने काम में आता है। इसके जो बैकग्राउंड जो जैसे हम लोगों ने अभी जो हम लोगों का पुराना था उसमें हम लोगों ने प्रॉप वेरिएबल का यूज़ करा था, तो हम लोग प्रॉप अगर डायरेक्टली यूज़ करें तब भी वैल्यू को ला सकते थे, मगर इसमें जो बैकग्राउंड जो होता है जहाँ पे हम लोगों की वैल्यू स्टोर होती है वो शो नहीं होता है यूज़र को, वो एरिया वो एक्सेस नहीं कर सकता, ये बाय डिफ़ॉल्ट ही अपने आप ही एक जगह पे वैल्यू स्टोर कर लेता है। इसका फंक्शन मैं भी आपको नहीं बना के दिखा रहा हूँ क्योंकि आप थोड़ा सा इस पर अपने आप काम कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्लास में अगर आप कोई भी दिक्कत आती है तो नीचे कमेंट्स में दीजिए, मैं आपको इसका फंक्शन जो था नेक्स्ट क्लास में प्रोवाइड करवा दूंगा हम लोगों की ड्राइव पर ही। मगर अगर आप इसको एक बार खुद इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा पढ़ के, तो आपकी प्रैक्टिस होगी। प्रैक्टिस के लिए इस कॉन्सेप्ट को मैं यहीं पर इसका कोई फंक्शन नहीं बनाया मैंने, आप एक बार करके देखिए ईजी रहेगा। हिंट दे देता हूँ, इस प्रॉपर्टी को हटा दीजिएगा और यहाँ पे इन सबको हटा करके डायरेक्ट सेमीकोलन लगा दीजिएगा और डायरेक्ट वैल्यू एक्सेस करके देखिएगा, प्रोग्राम बिल्कुल सेम रन होगा, सेम चीज़ें होंगी। आई लेफ्ट इट एज अ होमवर्क,
प्रॉपर्टीज़ के बारे में एक दो चीज़ें और समझ लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ को रेफरेंस रेफ और आउट एक्सेस से पास नहीं किया जाता, इंडेक्स और प्रॉपर्टीज़ दोनों को रेफ और आउट रेफरेंस जो हमने पुरानी क्लासेस में पढ़े थे उनके थ्रू पास नहीं किया सकता। प्रॉपर्टीज़ को ओवरलोड नहीं किया सकता, हम लोग इंडेक्सर को ओवरलोड कर सकते हैं मगर प्रॉपर्टीज़ को ओवरलोड नहीं किया सकता, क्योंकि यहाँ पे कोई जो था वैल्यू वो लेता ही नहीं है, कोई पैरामीटर्स होते ही नहीं है जो कि आप ओवरलोड करेंगे। और जो हमारा गेट फंक्शन है ये कभी भी कोई वैल्यू ऑल्टर नहीं कर सकता। अगर आप चाहें कि यहाँ पे रिटर्न प्रॉप की जगह पहले प्रॉप को प्लस प्लस करें उसके बाद रिटर्न करें तो ऐसा नहीं हो सकता। आप प्रॉप प्लस वन रिटर्न कर सकते हैं मगर प्रॉप की वैल्यू को ऑल्टर करके फिर रिटर्न करना चाहें तो ये काम नहीं हो सकता। तो ये एक दो चीज़ें प्रॉपर्टीज़ के बारे में, बहुत इजी कॉन्सेप्ट हैं, ज़्यादा कोई छिक छिक पिक पिक वाली बात नहीं है, चीज़ें समझने में काफ़ी ज़्यादा ईजी हैं। इसको मैं अभी नो करता हूँ, सारी चीज़ों को क्लोज करते हैं। तो ये था हमारी प्रॉपर्टीज़ और इंडेक्सर्स के बारे में डिस्क्रिप्शन, हमारा पूरा ईजी है, डिफरेंसेज आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि इनहेरिटेंस क्या होती है, किस तरीके से सी शार्प में इनहेरिटेंस का यूज़ किया जाता है। काफ़ी कुछ सी से मिलती हुई इनहेरिटेंस है इसका, हमारी सी शार्प में जावा और सी का कॉम्बिनेशन होती है। तो नेक्स्ट क्लास में ये सारी चीज़ें देखेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप काम।